भाषण में नहीं देता, भाषण सच्चाई है, भाषण दे रहा है, आपकी सच्चाई है देश की। और भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा लगता है कि पूरे पिछड़ा वर्ग का इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली, और इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है। और जातियों के कारण सम्मान भी मिलता है और जातियों के कारण अपमान भी मिलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें व्यवस्था दी थी, आज उसके आधार पर अगर हम देखा जाए तो समाज के बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिन्हें हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली, और इसको लेकर के पूरे देश में आंदोलन भी चल रहा है। और देश की बहुत सी बड़ी बड़ी पार्टियां आज जाति आधारित जनगणना की बात कह रही हैं। मैंने पिछले भी सत्र में इस बात का उल्लेख किया था कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए, लेकिन उस दौर में शासन की तरफ से आदरणीय शाही जी ने जवाब दिया था कि यह भारत सरकार का काम है। और हमने जब बिहार की बात कहा था तो उन्होंने कहा हम बिहार से उदाहरण नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बताते हुए आपके बीच अपार खुशी है कि बिहार सरकार ने हिम्मत दिखाई और जाति आधार पर जनगणना भी कराया, सर्वेक्षण भी कराया, और उसको लेकर के जब हाई कोर्ट में मानवर चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में जाति जनगणना को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने शुक्रवार को बिहार सरकार को उसके जाति सर्वेक्षण के और आंकड़े प्रकाशित करने से रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि राज्य को कोई भी नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकता है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की उन आपत्तियों को खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि राज्य सरकार आगे और आंकड़े जारी ना करे। पीठ ने कहा कि हम इस समय कुछ भी नहीं रोक रहे हैं, हम राज्य सरकार या किसी भी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से नहीं रोक सकते हैं, यह गलत होगा। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने कहा कि मामले में गोपनीयता का उल्लंघन है और हाई कोर्ट का आदेश गलत है। इस पर पीठ ने कहा कि चूंकि किसी भी व्यक्ति का नाम और अन्य पहचान प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए यह तर्क की गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है या सही नहीं हो सकता है। मानवर, जब देश की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है और भारतीय जनता पार्टी, तो ऐसा लगता है कि पूरे पिछड़ा वर्ग का इनसे बड़ा कोई हितैषी नहीं है। मंडल आयोग की सिफारिशों का सबसे ज्यादा विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। आज हमारे नेता स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव नहीं है, आदरणीय लालू प्रसाद जी हैं, पासवान जी हमारे बीच नहीं है, शरद जी हमारे बीच नहीं है। कितनी लड़ाइयों के बाद हमें मंडल आयोग की सिफारिश लागू हुई, क्या आप बता सकते हैं? या डॉक्टर संजय निषाद जी बैठे हैं, आशीष पटेल जी बैठे हैं, प्रश्न नहीं, भाषण नहीं, प्रश्न भाषण में नहीं देता, सच्चाई है, भाषण दे रहे हैं, की सच्चाई है देश की, नहीं वो सच्चाई बहुत सारी है, सात सच्चाई, जो प्रश्न है उसके ऊपर पूछिए। 45 विश्वविद्यालयों में कितने ओबीसी वर्ग के कुलपति हैं? सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।